अमित शाह बोले, 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। अफसरों ने बताया, नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा में 77% तक कमी आई। मोनू मानेसर 4 दिन के रिमांड पर, राजस्थान से पटौदी फायरिंग केस में लाई हरियाणा पुलिस, लॉरेंस से वीडियो कॉल पर भी होगी पूछताछ। बस एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए गडकरी का नया प्लान, यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस बनाने के नए मानकों को मंजूरी दी। राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला, कोर्ट ने कहा, आप सांसद को दिल्ली के टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी की मांग, मुझे जेल भेज दो, सुधाकर चतुर्वेदी ने कोर्ट से कहा, मुंबई में ठिकाना नहीं, बार बार पेशी के लिए कैसे आऊं। गगनयान मिशन के लिए अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट अक्टूबर अंत तक, रॉकेट में गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट कैसे निकलेंगे इसका टेस्ट किया जाएगा। इसराइल पर हमास ने 5,000 रॉकेट दागे, राजधानी समेत 7 शहरों पर हमले, नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जंग का ऐलान कर सकते हैं। एशियाड में पहली बार भारत की 100 मेडल, महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में चाइनीज ताइपे को हराया, आज 3 गोल्ड समेत 5 पदक जीते। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन, कल से सिर्फ RBI ऑफिस में बदले जा सकेंगे, अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। UN ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताई, मानवाधिकार एक्टिविस्ट को सुरक्षा देने की अपील की, 5 अक्टूबर को हुआ था घर पर हमला।